नमोच्युतखयनाथं वन्दितव श्रीचरणारविन्दं जन्मान्धघोरतिमिरनाशनं सत्यप्रकाशमुरारि सत्यानन्दं पूर्णज्योति सत्यच्युताश्रयो अच्युतनामे सिद्ध्यं च सिद्ध्यगिरि नमो नमः। परम पूज्य परमाराध्य सिद्धशैल निवासी महापुरुष अवधूत महात्मा सद्गुरुदेव हरिबंधु दासंकर पदारविंदरे अनंत कोटिवार दंड प्रणति निवेदन करी पूज्यपाद आचार्य श्री गुरुदेवंकर श्री चरण कमल वंदना पूर्वक आज रही पवित्र भक्तिमय भावमय भजनाश्र उपस्थित समस्त कर्मकर्ता समस्त भागवत प्रेमी संत प्रेमी समस्त श्रद्धालु भागवत प्रेमी मानंकु गुरु स्वरूप नमनारायण रूप से जय गुरु प्रणाम निवेदन पूर्वक ए पवित्र क्षेत्र पवित्र सिद्धपीठ सिद्धगिरी आश्रम को समस्त को मु स्वागत जनाऊँ आओ समस्त को पुणि थरे स्वागत करने सहित महापुरुषों पाखे समस्त उन्नति निमित्त मंगल निमित्त प्रार्थना रखुची। आपण मैंने जानिथिबे ये पवित्र सिद्धगिरी पीठ हेउछे एक मालिका वर्णित क्षेत्र मालिका कथा आसिले मन को तांकरी कथा आसी जाए जे होउछन्ते सारा ओडिशा पंचसखांकर मुख्य अगम्य भाव जाने जशोवंत गारकटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत वणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंच सखाए ओडिशा महंत ये जो पंच जन पंच सखा चैतन्य समय कथा ये आओ से पंच सखाकर मौड़मणि कहले जो महापुरुष पद्मवन निवासी महापुरुष अच्युतानंद दास को मुख्यतः भाव जना जाए जे होती अच्युतम गोलकनाथम साक्षात विष्णु स्वरूपकम कलिजुगे विहरंचम अच्युताय नमो नमः। से महापुरुष अच्युतानंद पंच सखाकर वर्णित मालिका भविष्यवाणी मालिका वर्णित एक क्षेत्र हूँ सिद्धगिरी पीठ आई सिद्धगिरी पीठर प्राण प्रतिष्ठता होती महापुरुष अवधूत महात्मा सिद्धशैल निवासी श्री श्री हाड़ीबंधु दास महाराज बात कई कई हाड़ुदास नाम जानती पीठर प्राण प्रतिष्ठता जहाँ विषय महागुप्त पद्मकल्पे अरक्षित दास शिष्य राम को कहते हाड़ीदास बड़ भक्त प्रमाण जो अच्छी कह भी कथा मुही किछि किछि यही हाड़ीदास पुणी जनमीण थे बेल काल जाणी से बाहर होइबे सिद्धगिरी मठ बोली प्रमाण जो थी हाड़ीदास गादी तई पास थी महागुप्त पद्मकल्पर महापुरुष अरक्षित दास द्वारा लिखित आउ महापुरुष अच्युतानंद गरुड़ गीता को जदि आपण माने जिबे सेठी मध्ये अति सुंदर भाव लेखा होइछि सिद्धगिरी बोली जो गिरी कही सेठार महिमा जिते सेठावरे काल केबे न पसई कहु अच्छे विरतते एक कथा लेखा होइछि गरुड़ गीता रे। आ जदि शिवकल्प को आमे आसीबा सेठी लेखा जाइछि अति सुंदर भाव केवल ये पीठ विषय लेखा जाय नाही पीठ तले थिबा ग्राम गोविंदपुर आपण माने जानिथिबे सिद्धगिरी पीठ हेउछि गोविंदपुर ग्रामर सन्निकट एवं गिरी चतुपार्श्वरे जेउ ग्राम अछि महापुरुष समस्त ग्रामक भितरे गोटे ग्राम को अत्यंत प्राधान्य देइछन्ति से ग्राम हेउछि गोविंदपुर काहिंके कथा ना मु कहुनाई शिवकल्पर अति सुंदर भावरे कथा लिखित अछि गिरी तले गोप गोपत होइछि सिद्धगिरी पूर्व भागे बहु साधु संत लुचि रहिछन्ति न जानन्ति केइनरे हुए तो आज
आमे ताको जानी नथिबा किंतु शह शह वर्ष पूर्वरु महापुरुष अच्युतानंद दास शिवकल्पे कथा लिखि दे जाइछन्ती गिरी तले गोप गुपत होइछि सिद्ध गिरी पूर्व भागे बहु साधु संत लुचि रहिछन्ती न जानन्ती केइ नरे दिने गोपलीला सेठारे होइबो खिति हाडियार संगे आउ खिति वंशर कथा मध्ये महापुरुषंकर कथा एटी लेखा जाइछि तेणु ये होउछि सेइ पुण्यपीठ सिद्धगिरी पीठ आउ ए पीठरे वार्षिक विभिन्न पर्वपर्वाणी हुए जहाँ मध्य दोलजात्रा ठारु आरंभ करी महापुरुषंकर प्रयाण दिवस तथा आविर्भाव दिवस वार्षिक यज्ञ ये सबुरे स्थानीय तथा ओडिशार विभिन्न जिल्लार ओडिशा बाहर शह शह भगवत प्रेमी श्रद्धालु माने आसी महापुरुषंकर दर्शन लाभ करिथांती। आपण माने सुनिथिबे किछि दिन तले अति सुंदर भावरे प्रार्थनारे मध्य आमर परिव्राजक प्रमोद कुमार अति सुंदर भावरे सिद्धगिरी पीठ विषय रे सारा अति सुंदर वर्णना करिथिले मालिका गवेषक परिव्राजक प्रमोद कुमार अन्यन बहु गवेषक माने सिद्धगिरी पीठ विषय रे विभिन्न गणमाध्यम रे मध्य प्रचारित हेछि तेणु जाहे हो समस्तंकु मु ए सिद्धगिरी पीठर सेवक भावरे आपण मानंकु समस्तंकु ए वैदिक गणमाध्यम तालध्वज टीवी जरिया रे आपण माने सारा ओडिशावासी जो माने अगणित श्रद्धालु माने जगन्नाथ प्रेमी गुरु प्रेमी समस्त महानुभव माने जो माने देखुचंती समस्तंकु मु निवेदन रखिबी निश्चित भावरे ए पीठ को महापुरुषंक पाख को आसी आपण माने महापुरुषंक दर्शन करंतु कृपा प्राप्त हुअंतु यही आपण मानंक निकटरे प्रार्थना जय गुरु जय जगन्नाथ समस्तंकर मंगल हो नमो नारायण।